अनम्यूट करो। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। अऊदु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बथ्था मिन्हुमा रिजालन कथीरन व निसाअ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه। وقال عليه الصلاة والسلام كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أنس رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل قال قلت يا رسول الله فأين أطلبك قال اطلبني اول ما تطلبني على الصراط قال قلت فان لم القاك على الصراط قال فطلبني قال فطلبني عند الميزان قال فان لم القاك على الميزان قال فطلبني عند الحوض فاني لا اخطئ هذه الثلاث المواطن مواطن رواه الترمذي وصحه الألباني رحمه الله। عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما في ثلاث مواطن فلا يذكر احد احدا عند الميزان حتى يعلم ايخف ميزانه ام يثقل وعند الكتاب حين يقال ها ام اقرؤوا كتابيه حتى يعلم اين يقع كتابه افي يمينه ام في شماله ام من وراء ظهره وعند الصراط اذا وضع بين ظهري جهنم رواه ابو داود وجود اسناده العراقي رحمه الله। يقول الامام القرطبي رحمه الله اذا انقضى الحساب كان بعده وزن الاعمال لان الوزن للجزاء فينبغي ان يكون بعد المحاسبه فان المحاسبه لتقدير الاعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها انتهى كلامه رحمه الله। تمام تعريف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ہر ظاہری و باطنی نعمت
उसी अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो अल्लाह तबारक व तआला हम सब का खालिक, हम सब का मालिक और हम सब का राज़िक है, जिसने जन्नत और जहन्नम को पैदा किया और उसके लिए अहल भी बनाए, उसका रास्ता अपने बंदों को दिखा दिया। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह अलअज़ीम, सलातु सलाम हो इसके बाद अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर कि जिन्होंने हम तक अल्लाह का दीन पहुंचाया, जिस दीन में जन्नत का रास्ता मौजूद है, जन्नत वालों की सिफत मौजूद है और जन्नत में ले जाने वाले आमाल भी बयान किए गए हैं। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و صلاة کے بعد آج 13 رجب عفواً 19 رجب 1442 ہجری 19 रजब 1442 हिजरी मुताबिक 3 मार्च 2021 ईस्वी जद्दा सऊदी अरब से आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम पेश है। मुख्तलिफ वसाइल पर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक सिलसिला जो चल रहा है मौत से जन्नत तक का सफर, और हमने इस सिलसिले में मौत, कब्र, कयामत का दिन, अर्ज़ महशर, कयामत की निशानियां, कयामत का दिन, अर्ज़ महशर और फिर हिसाब और नामे आमाल, इन तमाम चीज़ों पर तफसील के साथ गुफ्तगू की और आपको बयान किया। सिलसिला चल रहा है। आज के इस प्रोग्राम में या आज के इस दर्स में हम दो चीजें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नंबर एक तराजू, नंबर दो हौब। तराजू जिसमें आमाल नामे तोले जाएंगे, इसके मुतालिक क्या कुछ हमें बयान किया गया है, फिर उसके बाद हौब जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का इंतजार करेंगे ताकि उस हौज का पानी उनको पिलाएं, और उसके मुतालिक क्या कुछ आया है। तो शुरू करते हैं। पहली चीज तराजू। तराजू पर ईमान वाजिब है, इसलिए कि किताब व सुन्नत से इसका सबूत मिलता है। कुरान की आयात में और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में तराजू का जिक्र मौजूद है। तराजू के मुतालिक एक अहम बात जो अल्लामा इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, उसको बयान करते हुए बात को आगे बढ़ाऊं। तराजू में हम आपको बताएंगे कि तराजू में जो तोला जाएगा तो ये कब होगा, एक, और इसकी दलील तराजू की कुरान हदीस से, दो, और तराजू की जिसको मीज़ान कहते हैं अरबी में, तराजू की सिफत क्या आई है नुसूस में, तीन, और तराजू में क्या चीजें तोली जाएंगी, चार। इंशाल्लाह ये अहम बातें हैं तकरीबन चार जो तराजू से मीजान से मुतालिक है। सबसे पहले तराजू नसब होगा, ये हिसाब के बाद होगा। बिलतहदीद इसका जिक्र किसी आयत और हदीस में तो नहीं आया है, लेकिन आयत और हदीस को सामने रखते हुए बाज अहले इल्म ने, जैसे इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, इस बात को बयान किया गया है
کہ سمجھ میں یہ آتا ہے آیات اور احادیث کو دیکھ کر کہ قیامت کے دن حساب جب ہوگا, حساب کے بعد ترازو جو ہے نصب کیا جائے گا جس میں اعمال تولے جائیں گے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا جو انہوں نے اپنی کتاب التذکرہ میں ذکر کیا ہے. کہتے ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جب حساب سے فراغت ہو جائے گی, جس کا ذکر ہم نے کیا پچھلے دروس, حساب ہو جائے گا, اب اس کے بعد اعمال تولے جائیں گے. اس لیے کہ وزن کرنا یا تولا جانا یہ بدلے کے لیے ہوتا ہے اور حساب کے بعد ہی بدلہ ہوتا ہے. پہلے حساب ہوگا کہ آپ نے یہ کیا یہ کیا, اعتراف ہوگا, بتا دیا جائے گا, دکھا دیا جائے گا آپ کا حساب کہ دیکھیے یہ آپ کا معاملہ ہے, یہ آپ کا حساب ہے, یہ آپ کی اچھائیاں ہیں, یہ آپ کی برائیاں ہیں, دکھا دی جائیں گی. جو ہم نے پڑھ لیا پورا حساب, یسیر حساب, عسیر یعنی آسان حساب, سخت حساب, پوری اس کی تفصیل. اب اس کے بعد چونکہ بدلہ دیا جائے گا تو بدلے کے لیے ضروری ہے کہ اعمال تولے جائیں. بھائی اعمال پورے آ گئے, حساب ہو گیا, اچھائیاں برائیاں, اب اس کو تولنا نا زیادہ کیا ہے, تاکہ بدلہ اسی اعتبار سے دیا جائے. سمجھ رہے نا بات کو, بھائی نیکیاں زیادہ آپ نے کی یا برائیاں زیادہ آپ نے کی یا برابر برابر ہے. تو اسی لیے جو ہے وزن رکھا گیا ہے, ترازو رکھا جائے گا. کہتے ہیں اسی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فیم بغی ایکون بعد المحاسبہ, تو مناسب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حساب کے بعد ہی ترازو ہوگا, کیونکہ حساب اعمال کو بتانے کے لیے ہے, اس کی تقدیر کے لیے, اور وزن اعمال کے حساب سے بدلہ دینے کے لیے. اس کے بعد ترازو جس کو میزان کہتے ہیں عربی میں, جس کا ذکر کتاب و سنت میں آیا ہے, عربی زبان میں ترازو کو میزان کہتے ہیں, اور میزان کا مطلب آپ کو معلوم ہے جس میں تولا جاتا ہے, وزن کیا جاتا ہے, عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں. شریعت اسلامیہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں میزان حقیقی ہوگا, یعنی حقیقت میں ترازو ہوگا قیامت کے دن, جس کی ایک زبان اور دو پلے ہوں گے, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا المیزان لہو لسان وکفتان, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میزان جو ترازو ہوگا ایک زبان ہوگی اور دو پلے ہوں گے, سمجھتے ہیں پلے, تاکہ ایک میں نیکیاں رکھی جائیں اور ایک میں برائیاں رکھی جائیں, ایک میں اچھے کام ایک میں برے کام. تو کہتے ہیں کہ شرعی طور پر اس کا ڈیفینیشن یہ ہے میزان کا کہ یہ حقیقی ترازو ہوگا جس کے دو پلے ہوں گے, قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو رکھے گا تاکہ بندوں کے اعمال تولے جائیں, وزن کیے جائیں, اور یہ بڑا باریک ہوگا, اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں ہوگی. اور کیسے ہوگا یہ ترازو, اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے. اس کے بعد قرآن و حدیث اور اجماع امت سے اس کا ثبوت ملتا ہے. سورہ انبیاء کی ایک آیت میں نے پڑھی جس میں اس کی دلیل ہے, ایک دلیل کافی ہے سمجھنے کے لیے. قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَنَوْبَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن رکھیں گے, ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن رکھیں گے. فلا تظلم نفس شیئا, کسی نفس پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا, کسی نفس پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی نیکی یا برائی, اس کو بھی ہم لے کر آئیں گے اور ہم بندوں کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں. اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن ترازو ہوگا اور یہ انصاف کا ترازو ہوگا جو نصب کیا جائے گا اور اعمال تولے جائیں گے, عدل ہوگا, ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا. کیسے پتا؟ اللہ نے فرمایا فلا تظلم نفس شیئا,
किसी नफ्स पर किसी जर्रा बराबर जुल्म नहीं होगा, पूरा आदल होगा। आपने जो किया आपको उसका बदला दिया जाएगा, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। हदीस से भी इसकी दलील मिलती है कि तराजू है और हकीकी है, महसूस किया जाने वाला तसव्वुर नहीं बल्कि रियल में हकीकत में तराजू होगा। बुखारी मुस्लिम की हदीस मशहूर रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, कलिमतान हबीबतान इला रहमान खफीफतान अला लिसान फकीलतान फिल मीज़ान सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। दो कलमे, दो वर्ड्स रहमान को बहुत पसंद है, जबान पर बड़े हल्के हैं, आसान, तराजू में बहुत भारी होंगे। एक सुभान अल्लाह बिहम्दिही और दूसरा सुभान अल्लाह अज़ीम। यह मुत्तफ़क अलैह रिवायत इस बात की दलील है कि तराजू होगा। क्यों? इसलिए कि इस हदीस में दो कलमे तराजू में बहुत भारी होंगे, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही एक, सुभान अल्लाह अज़ीम दो। तो इससे मालूम हुआ कि तराजू हकीकत में होगा जिसमें आमाल तोले जाएंगे। और इस हदीस से जिक्र की फजीलत भी मालूम होती है, इस जिक्र की, इस दुआ की, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, कि ये अल्लाह को बहुत पसंद है और जबान पर हल्के हैं, आसान हैं, आदमी आसानी से इसको अदा भी कर सकता है, याद कर सकता है, पढ़ सकता है। सुबह शाम आप जितनी मरतबा चाहे उसको पढ़ सकते हैं, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। चलिए, और इसके बाद सलफ़े सालहीन रहिमहुमुल्लाह का, सहाबा ताबईन तबे ताबईन रहिमहुमुल्लाह का इस बात पर इजमा है कि क़यामत के दिन तराजू होगा, आमाल नामे तोले जाएंगे। इसके बाद इसकी सिफत कि इसके दो पल्ले होंगे और एक जबान होगी, इसकी दलील मुस्नद अहमद की यह रिवायत जो तिर्मिज़ी में भी मौजूद है, इब्ने माजा में भी मौजूद है, अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह ने इसको सही करार दिया है। बहुत मशहूर हदीस है, कलमे तौहीद या तौहीद की फजीलत भी इससे साबित होती है। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा सयुखल्लिसु रजुलन मिन उम्मती अला रुऊसिल खलाइक यौमल क़ियामा, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत के एक शख्स का हिसाब लेगा, एक शख्स को बुलाया जाएगा क़यामत के दिन तमाम मखलूक के रूबरू, सिजिलन उसके नाम आमाल के 99 दफ्तर रजिस्टर, रजिस्टर कहें आसानी कसम, 99 रजिस्टर उसके फैलाए जाएंगे उसके आमाल के, कुल सिजिल मिस्लु मद्दिल बसर, 99 रजिस्टर्स उनमें से हर रजिस्टर इतना ज्यादा होगा, इतना वसी होगा जहां तक इंसान की निगाह जाती है। उसके बाद उससे पूछा जाएगा, अल्लाह पूछेगा उससे, अतुनकिरु मिन हादा शय, क्या इन रजिस्टर में जो कुछ लिखा गया है तेरे आमाल, क्या किसी का इनकार तू करता है? बंदा कहेगा, बल्कि उससे पहले अल्लाह ताला मजीद ये फरमाएगा उससे दूसरा सवाल, अवलमा का कतबतिल हाफिज़ून, क्या मेरे लिखने वाले फरिश्तों ने तुझ पर जुल्म किया है? फयकूलु ला या रब, तो कहेगा नहीं है मेरे रब। हदीस अभी बाकी है, सुनिए मतलब क्या है हदीस का। 99 उसके रजिस्टर्स आमाल के फैलाए जाएंगे, एक एक रजिस्टर जहां तक इंसान की निगाह जाती है उतना ज्यादा, और सब उसमें लिखा हुआ होगा इसने क्या क्या किया है दुनिया में। अल्लाह पूछेगा बंदे से, क्या इनमें से किसी का इनकार करता है? दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, क्या मेरे फरिश्तों ने, क्योंकि फरिश्ते लिखते हैं ना, हमने बताया इससे पहले,
अल्लाह ने मुकर कर दिया दाएं बाएं आनी यमीनी वानी शिमाली कई सूरह काफ की आयत। तो अल्लाह ताला फरमाया क्या जुल्म हुआ है तुझ पर मेरे फरिश्तों ने, लिखने वाले क्या जुल्म किया? तो वो एतराफ करेगा, कहेगा कि नहीं ये सब मेरे ही। फयकूलू ला या रब, ए मेरे परदेवार नहीं तेरे बंदों तेरे फरिश्तों ने कोई जुल्म नहीं किया। फयकूलू अफलक उज्र, तो अल्लाह फरमाएगा क्या कोई उज्र है, कोई बहाना, कोई उज्र? फयकूलू ला या रब, कोई उज्र नहीं है मेरे पास अब, क्या है तो 99 सब सामने आ गई चीज जो भी किया था। फयकूलू बला इन लक इंदना हसना, नबी ससम फरमाते अल्लाह ताला फरमाएगा क्यों नहीं, एक नेकी तेरी हमारे पास मौजूद है। फइन्नहु ला ज़ुल्म अलैका अल्यौम, कोई शक नहीं है कि आज तुझ पर जुल्म नहीं होगा। फतखरुजु बिताका फीहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो एक बिताका निकलेगा, एक बॉक्स, बिताका से एक बॉक्स निकलेगा, उसको बिताका कहते हैं, या बॉक्स बोलिए कार्ड समझ लें, उस पर लिखा रहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाह हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे उसके रसूल है। फयकूलु उहदर वजनक, अल्लाह ताला फरमाएगा जा अपने वजन के पास जा, मतलब वहां हाजिर हो जहां तोला जाएगा। ये 99 रजिस्टर और वो एक बिताका। फयकूलु या रब मा हाज़िहिल बिताकतु मा हाज़िहि सिजिल्लात, बंदा कहेगा ऐ मेरे परवरदिगार ये बिताका जिसमें शहादतें लिखा हुआ है, ये इन 99 रजिस्टरों के सामने क्या करेगा कि मैं जाऊं और देखूं अपना वजन या तो जो तोला जाएगा ये या दो तोला जाएगा। फकाल इन्नका ला तुज़लम, अल्लाह ताला फरमाएगा तुझ पर जुल्म नहीं होगा। काल नबी अलैहिस्सलाम फरमाते फतूबा अस्सिजिल्लातु फी किफा वल बिताकतु फी किफा, वो 99 रजिस्टर उसके आमाल के एक पल्ले में रखे जाएंगे, और ये बिताका जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा होगा, ये एक पल्ले में रखा जाएगा। प्यारे नबी ससम फरमाते फताशत सिजिल्लात, वो उड़ जाएंगे, ताशा में उड़ना, ताशत सिजिल्लात, वो तमाम 99 दफ्तर या रजिस्टर इसके वजन से, किसके? बिताके के, जिसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, उससे ये उड़ जाएंगे। वसकुलतुल बिताका फला यस्कुल मा इस्मिल्लाह शैउन, नबी ससम फरमाते हैं और ये बिताका जिस एक पल्ले में रखा जाएगा ये भारी हो जाएगा, वजनी हो जाएगा, और आगे फरमाते हैं अल्लाह के नाम के साथ कोई चीज वजन नहीं हो सकती। हदीस खत्म हुई। अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह फरमाते इस मानी की और भी रिवायतें मौजूद हैं, तो इस हदीस से इस बात का सबूत मिलता है कि दो पल्ले होंगे, एक में बिताका और दूसरे में आम सिजिल्लात जो है इंसान के रखे जाएंगे। तो ये असल दलील है इसकी जो मौजू से मुतालिक है, और उसके अलावा जैसा कि अभी आपने सुना तौहीद की फजीलत भी इससे मालूम होती है, अकीदे तो ये, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आदमी पढ़ ले, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे, तो इंसान तौहीद पर रहे, अकीदे तौहीद पर, तो इसका फायदा क़यामत के दिन ये होगा कि वो नजात पाएगा दोज़ख के अजाब से, और उसके लिए फायदा होगा। इसी माने की इसी हदीस का एक और एक रिवायत है मुस्नद अहमद में, जिसको अल्लामा इमाम हैसमी रहमतुल्लाह ने हसन सनद से उसको रिवायत किया है या हसन करार दिया है, उस रिवायत को भी सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तूदउल मवाज़ीन यौमल क़यामा, क़यामत के दिन तराजू रखे जाएंगे, क़यामत के दिन तराजू रखे जाएंगे। फयूता बिर्रजुली फयूदउ फी किफ़ा, एक आदमी को लाया जाएगा और उसको एक पल्ले में रखा जाएगा, आदमी को। हाँ, पहली रिवायत में क्या है? आमल। अब यहां देखिए आमल जो जिसने अमल किया है जैसे बंदा, उसको भी तोला जाएगा, इस हदीस से साबित। फयूता बिर्रजुली फयूदउ फी किफ़ा, एक आदमी को लाकर एक पल्ले में उसको रखा जाएगा।
فَيُوْمَعُ مَا أُحْصِيَ عَلَيْهِ, اور اس آدمی کے ساتھ جو کچھ اس کی گنتی ہوئی ہے اعمال کی, جو کچھ اس نے کیا ہے, کام کرنے والا, سمجھ رہے ہیں, اعمال صاحب اعمال دونوں کو ایک پلے میں رکھا جائے گا. نبی علیہ السلام فرمایا تھے فَتَمَائَلُ بِهِ الْمِيزَان, تو وہ لڑکھڑائے گا یا ایک طرف ہو جائے گا ترازو, ایک طرف جھک جائے گا وہ ترازو. قال فَيُبْعَثُ بِهِ إِلَى النَّار, تو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ بھاری نہیں ہوا, اس کے گناہ جو ہے زیادہ ہیں, تو اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. فَإِذَا اُدْبِرَ بِهِ, جب اس کو پلٹا کر لے جایا جائے گا, اِذَا صَائِحٌ يَصِيحُ مِنْ عِنْدِ الرَّحْمَانِ, رحمان کے پاس سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا, لا تعجلوا, جلدی مت کرو. فَإِنَّهُ قَدْ بَقِيَ لَهُ, اس کی ایک چیز باقی رہ گئی جس کا وزن نہیں ہوا ہے ترازو. فَيُوْتَى بِبِطَاقَ فِيهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, ایک بطاقہ لایا جائے گا کارڈ جس میں لکھا رہے گا لا الہ الا اللہ. فَتُوضَعُ مَعَ الرَّجُلِ فِي كِفَّةٍ, اب دوبارہ وزن ہوگا اس کا, اس آدمی کو اس کے بطاقے جو اس کی توحید تھی, عقیدہ تھا, لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کو تولا جائے گا, حتی یمیل بہ المیزان, یہاں تک کہ یہ بھاری ہو جائے گا. کون سا؟ جس میں بطاقہ رکھا جائے گا. اس حدیث کو امام احمد, امام حیثمی رحمہ اللہ نے, امام احمد نے روایت کیا, امام حیثمی رحمت اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. علامہ ابن ابی العز رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں, اس حدیث سے ایک فائدہ معلوم ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آدمی کو اس کے اعمال کے ساتھ تولا جائے گا, آدمی کو اس کے اعمال کے ساتھ تولا جائے گا. اس کے بعد امام ابو اسحاق الزجاج رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, اہل السنہ والجماعہ کا اجماع ہے, اتفاق ہے اس بات پر کہ میزان ترازو پر ایمان لانا واجب ہے, اور یہ بھی کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولے جائیں گے, اور یہ جو ترازو ہوگا اس کی ایک زبان ہوگی اور اس کے دو پلڑے ہوں گے, اور یہ اعمال کے حساب سے ادھر یا ادھر جھکے گا, جس طرف اعمال زیادہ ہوں گے نیکیاں تو اس طرف جھکے گا, برائیاں تو اس طرف وہ جھکے گا. اسی طریقے سے علامہ ابن بطہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اہل علم نے اس بات پر, علماء نے, زہاد نے, عباد نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ ترازو اور اس کی ان تمام صفات پر ایمان لانا واجب ہے. اس کے بعد معلوم ہونا چاہیے, یہ جب وہ ترازو نصب کیا جائے گا, جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ حَقٌّ, قیامت کے دن تولا جانا برحق ہے, نام اعمال تولے جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ, جس کے ترازو نیکیوں کے بھاری ہو گئے وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا جنت میں, اور جس کے ہلکے ہو گئے وہ دہکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ہوگا. یہ تمام آیتیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ یہ حقیقت ہے. اور ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کروں جو میں نے ذکر کیا شروع میں, کہ جب اعمال تولے جائیں گے وہ وقت بڑا مشکل وقت ہوگا, آدمی بہت زیادہ فکر میں ہوگا کہ اس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا یا ہلکا ہوگا, وزنی ہوگا یا وزن نہیں ہوگا, کیونکہ اس سے اس کو پتا چل جائے گا کہ وہ کہاں جائے گا. بھاری ہوگا نیکیوں کا پلڑا تو جنت, ہلکا ہوگا نیکیوں کا پلڑا تو زخیات. تو اس وقت بہت زیادہ ٹینشن میں, فکر میں وہ رہے گا, بہت زیادہ فکر میں وہ رہے گا. اس کا اندازہ لگائیے اس روایت سے, جس حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, اور علامہ عراقی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں نے جہنم کو یاد کیا اور میں رونے لگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیوں روتی ہو عائشہ رضی اللہ عنہا, تو فرماتی ہیں کہ میں نے جہنم کو یاد کیا, دوزخ اس کے عذاب کو یاد کیا تو میں رونے لگی. تو اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ اس قدر ہولناکی کا دن ہوگا, پریشانی کا عالم ہوگا, کیا کیا چیز, حساب ہے, اعمال نامے,
दिए जाएंगे, किसी को दाएं हाथ में, किसी को बाएं हाथ में, पीठ के पीछे से, और तराजू होगा, हौज होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सब परेशान होंगे। तो ऐसी हौनाकी वाला दिन जो दिन है, उस दिन क़यामत वाले दिन क्या आप अपने घर वालों को याद रखेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अम्मा फी थलाथ मवातिन फला यज़कुर अहदुन अहद। तीन जगह ऐसी हैं क़यामत के, तीन औकात ऐसे होंगे जहां कोई किसी को याद नहीं रखेगा। तीन वक्त कहां कहां? नंबर एक, तराजू के पास, जब तक के उसको पता न चल जाए कि उसका पल्ला नेकियों का हल्का भारी हुआ या हल्का हुआ, वो भूल जाएगा सबको। नंबर दो, जब उसको नामे आमाल दिया जाएगा और कहा जाएगा हाउ मुकरो किताब, यहां तक कि वो कहे हाउ मुकरो किताब, या लो मेरा नामे आमाल पढ़ लो, और उसको पता न चल जाए कि दाहिने हाथ में मिला या बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से उसको मिला। नंबर तीन, पुल सिरात पर भी, जो जहन्नम की पुश्त पर नसब की जाएगी। इन तीन मुकामात पर कोई किसी को याद नहीं रखेगा। तो इससे हमें मालूम होता है तराजू के वक्त क्या आलम लोगों का होगा। इसी तरीके से एक और एक रिवायत है अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला की, जो तिर्मिदी की सही रिवायत है, शायद आपने सुनी होगी, शायद इसे हदीस सुनी नहीं होगी। अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप, यानी तलब की कि आप मेरे लिए क़यामत के दिन सिफारिश कीजिए, आप मेरे हक में क़यामत के दिन शफात कीजिए, सिफारिश कीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अना फाइलुन, मैं करूंगा। अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हारी शफात करूंगा। तो अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया कि मैं कहां ढूंढूं आपको क़यामत के दिन, मतलब कहां मिलेंगे आप क़यामत के दिन ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, सबसे पहले मुझे तुम पुल सिरात पर ढूंढना। तो अनस रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अगर वहां आप मुझे ना मिले, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ना मिलूं वहां पर तो तराजू के पास आकर मुझको ढूंढना। फरमाते हैं अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु, फइल्लम अल्काक इंद अलमीज़ान, अगर वहां भी मैं आपको ना पाऊं, मुझे आप नजर ना आए या रसूल अल्लाह तो मैं कहां आपको फिर तलाश करूं। नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, फतलुबनी इंदल हौज, तो हौज के पास मुझको आकर मिलना। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन तीन में से एक जगह में जरूर तुमको मिलूंगा। अल्लाह अकबर। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ने रिवायत किया है। इसके बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन, कुरान की आयतों में तराजू के लिए जमा का सेगा इस्तेमाल हुआ है, मवाजीन। जैसे अल्लाह ने फरमाया सूरह क़ारिया की जो आयत है, फअम्मा मन थकुलत मवाजीनुहु, मीज़ान एक तराजू को कहते हैं, मवाजीन यानी बहुत सारे तराजू, प्लूरल। अल्लाह ने फरमाया फअम्मा मन थकुलत मवाजीनुहु, जिसका जिसके तराजू भारी हो जाए नेकियों के, फहुवा फी इशतर रादिया, वो अच्छी जिंदगी में, खुश करने वाली जिंदगी में होगा। तो अब सवाल यह पैदा हुआ, और हदीस में जिक्र एक तराजू का है, हदीस में मीज़ान का लफ्ज है, और कुरान की बाज़ आयतों में, जैसे ये आयत मैंने पढ़ी, इसमें जमा का सेगा है। तो सवाल, तराजू एक होगा या कई होंगे तराजू? इसमें इख्तलाफ है अहले इल्म के दरमियान, लेकिन राजे कौल यह है, जैसा कि हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में जिक्र किया, अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने तफसीर किताबों में जिक्र किया है, और वही सही कौल है, वो ये है कि तराजू एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे। तो फिर जमा का सेगा आया है ना, तो उसका भी जवाब दिया गया है। अरबी जबान में ऐसे होता है कि किसी की अहमियत ज्यादा बताने के लिए, कि बहुत बड़ी चीज है, प्लूरल का सेगा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे और जमा का सेगा इस्तेमाल किया जाता है, मुराद वाहिद सिंगल वर्ड लिया जाता है, जैसा इसकी दलील सूरह शोरा के आयत में मिलती है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, कज़बत कौम नूह अल मुरसलीन, कौम नूह ने रसूलों को झुटलाया, कौम नूह ने रसूलों को झुटलाया। कितने रसूल आए थे कौम नूह में? जी शकील साहब, एक ही, और वो है नूह अलैहिस्सलाम, बनू इसराइल में बहुत आए। यहां बात हो रही है नूह अलैहिस्सलाम की कौम, कौम अल्लाह ने मुरसलीन का रसूलों, हालांकि वो एक थे। तो हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह कहते हैं, ये दलील है इस बात की, ये तफखीम कहते हैं, किसी की बड़ा बताने के लिए, रसूल को झुटलाया, रसूलों को झुटलाया,
950 तक उनको तौहीद की दावत देते रहे। तो इस तरीके से किसी की अजमत बताने के लिए जमा का सिगा इस्तेमाल होता है। और इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही बात बयान फरमाई है कि अक्सर उलमा का यही कौल है कि तराजू एक ही होगा और ज्यादा तराजू नहीं होंगे। यह सिर्फ जमा का सेगा आया है लेकिन मुराद एक ही है। इसके बाद तराजू में क्या चीज, तराजू में आमाल नामे कैसे तोले जाएंगे, इस सिलसिले में अल्लामा तैमी रहमतुल्लाह का कौल फतहुल बारी में शरह बुखारी में मौजूद है। कहते हैं कि अहलुस सुन्ना वल जमा के नजदीक यह है कि आमाल जो इंसान, जैसे नमाज, रोजा, कुरान है ना, सब आमाल, अच्छे आमाल, बुरे आमाल, इसको जिस्म दिया जाएगा, समझ रहे, जिस्म, ये जिस्म नहीं है ना इसका, तो ये तो एक अमल है, तो इसको जिस्म दिया जाएगा और तोला जाएगा, या अजसाम बनाए जाएंगे, अजसाम में आमाल दाखिल किए जाएंगे और उसको फिर तोला जाएगा। बल्कि पूरी पूरा कौल मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि वल हक इंद अहले सुन्नत वल जमाअ अन अलआमाल हीन इदिन तुजसद औ तुजअल फी अजसाम فتصير اعمال الطائعين في صوره حسنه واعمال المسيئين في صوره قبيحه ثم توزن। ये फतुल बारी में इनका कौल है, जिसका मतलब क्या है, या तो एक शक, एक जिस्म उसको दिया जाएगा आमाल को और फिर तोला जाएगा, या एक जिस्म में आमाल, एक जिस्म बनाया जाएगा उसमें नेकियों को रखा जाएगा, एक जिस्म बनाया जाएगा उसमें जो है बुराइयों को डाला जाएगा, और जो नेक लोगों के आमाल हैं उसको अच्छी शक्ल दी जाएगी, एक अच्छा जिस्म उसके लिए बनाया जाएगा, और बुरे लोगों के जो आमाल हैं उसको बुरी शक्ल में, बुरे जिस्म में, यानी बुरा जिस्म बनाकर उसमें जो है दाखिल किया जाएगा। जैसे कि कब्र में इंसान के पास उसके नामे आमाल एक अच्छे शक्ल में या बुरे शक्ल में आते हैं, जैसे कि इस सिलसिले में हदीस में हमने बताया था, याद होगा, नेकियां जो इंसान करता है दुनिया में खूबसूरत शक्ल में, खुशबू के साथ, अच्छी शक्ल में, बेहतरीन शक्ल में आएगा एक इंसान आएगा, अंदर कहेगा कौन हो तुम, इतनी अच्छी खुशबू लेकर आए हो, इतना प्यारा चेहरा है, तो वो कहेगा अना अमलुका सालेह, मैं तुम्हारा नेक अमल हूं, हदीस में मौजूद है। तो बिल्कुल उसी तरीके, और इसके अपोजिट भी है कि बदबूदार और बिल्कुल काला, बिल्कुल क्या कहते हैं, डरावनी शक्ल में भी एक इंसान आएगा तो आदमी डर जाएगा और कहेगा कि कौन हो तुम, इतनी बुरी शक्ल वाले हो तुम और इतनी बदबू तुम्हारे पास से आ रही है, तो वो कहेगा मैं तुम्हारा बद अमल हूं। तो बिल्कुल इसी तरीके से तराजू में जब आमाल तोले जाएंगे उसके बारे में भी ये अल्लामा तैमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस कौल को नकल किया है। इसके बाद एक और एक मसला यह है कि काफिर क्या उसको भी, उसके भी आमाल तोले जाएंगे या नहीं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं काफिर के बारे में, अन्नहु ला यज़िनु इंदल्लाही जनाहा बऊबा, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ताला के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी काफिर का वजन नहीं होगा, काफिर का वजन मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा। इस ये एक हदीस है जो सही मुस्लिम में है। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं इस हदीस की तशरीह में, काफिर का मामला जहां तक है तो काफिर के को भी क्या किया जाएगा, उसको एक पल्ले में रखा जाएगा काफिर को, और दूसरे पल्ला खाली होगा क्योंकि उसकी कोई नीकी नहीं रहेगी। काफिर को एक पल्ले में रखा जाएगा और दूसरा पल्ला बिल्कुल खाली होगा, क्यों, क्योंकि कोई नीकी नहीं है उसकी, और उसके बाद जो है उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा क्योंकि उसके पास कोई नेकी नहीं है, तो इसी सूरत में कोई चीज उसके उसको फायदा देने वाली नहीं होगी, इसलिए उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये अल्लामा इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने काफिर के मुतालिक बयान किया है। चलिए इसके बाद एक और एक सवाल है जो कि बड़ा अहम सवाल है, और वह यह है कि क़यामत के दिन जो चीज़ तोली जाएगी वो आमाल होंगे या आमिल होंगे या नामा आमाल होंगे। तो इस सिलसिले में
उलमा का कौल है, जैसे हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा शेख हकमी मारजुल कबूल साहिब मारजुल वो शेख बिन बाज रहमतुल्लाह, शेख इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, सब ने इस बात को बयान किया कि तीनों चीजों को तोला जाएगा, नामे आमाल भी तोले जाएंगे, सहीफे रजिस्टर्स भी तोले जाएंगे, क्योंकि इसकी कभी ये तोले जाएंगे और ये भी तोले जाएंगे और साहिब आमाल को भी तोला जाएगा। इसके बाद हौज़े कौसर, कौसर और हौज दो अलग अलग चीजें, कौसर नहर है, हौद हौद है जिसमें पानी होगा, मीठा पानी जिसका नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे वहां पर, हौस अरबी में कहते हैं और उर्दू में भी हौज ही उसको कहते हैं। हौस के बारे में यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हौज मुकर्रर होगा जिसमें पानी होगा, क़यामत के दिन मैदान में वहां मोमिनीन आएंगे और उस हौस से पानी पिएंगे। इसकी दलील साल बिन सादरतों की सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं हौस पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, जो हौस पर आएगा वो पानी पिएगा और जो पानी पिएगा कभी वो प्यासा नहीं होगा। और कुछ लोग मेरे पास आएंगे या करीब आएंगे तो मैं उनको पहचानूंगा भी और वो मुझे भी पहचानेंगे भी, लेकिन उनको मुझसे दूर कर दिया जाएगा। ये एक रिवायत है। इसी तरीके से हौस के बारे में अल्लामा इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह और उससे पहले अल्लामा इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं 40 सहाबा ने हौस की हदीसों को रिवायत किया, तो हौस पर भी हमारा ईमान होगा। हमारे नबी ससलम के लिए क्यामत के दिन हौस, उस हौस का नाम हौज़े कौसर नहीं है, ये याद रखिए, कौसर एक नदी है जहां से दो परनाले निकलते हैं और हौस में उसका पानी आता है, जन्नत में नहर होगी वो, ये कौसर जो है इन आते ना कल कौसर जो है ना, ये नहर जो है जन्नत में होगी और उसका पानी हौस में गिरेगा आकर, दो परनाले होंगे जो कौसर नहर से निकलकर हौस में गिरेंगे, तो वो हौस अलग है कौसर अलग है, बात समझ में आ गई ना। चलिए हौस पानी की जगह जहां पानी जमा हुआ होता है। तो 40 सहाबा ने इस हौस की हदीस को रिवायत किया है। और इस सिलसिले में जो है एक और एक बात, क्या हौस आज मौजूद है या क़यामत के दिन हौस बनाया जाएगा हमारे नबी सल्लम के लिए, तो इस सिलसिले में अकीदा रखना चाहिए, मालूम होना चाहिए हौस मौजूद है। और इसकी दलील जो है बुखारी की एक रिवायत है उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु की हदीस कि अल्लाह के नबी सल्लम एक दिन निकले और आपने अहले उहुद जो शहीद हो गए गज़वे उहुद में जो शहीद हो गए उनकी नमाज जनाजा नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई और उसके बाद तशरीफ लाए मिंबर पर और उसके बाद मिंबर पर आकर नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात बयान फरमाई इन्नी फरतुल लकुम वाना शहीदुन अलैकुम व इन्नी वल्लाहि ला अंज़ुरु इला हौज़ अलान। ये बुखारी की रिवायत है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कहां हौस पर और मैं गवाह हूं तुम पर और वल्लाहि यानी कसम अल्लाह की इस वक्त मैं अपने हौस को देख रहा हूं। तो यह हदीस इस बात की दलील है कि हौस मौजूद है और अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हो सकता है अल्लाह ताला ने पर्दा हटाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया होगा हकीकत में हौस जो क़यामत के दिन होगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देख लिया होगा। जहां तक हौस की सिफत है तो उसके बारे में बुखारी मुस्लिम या बुखारी मुस्लिम की जो रिवायत है सही है उसको सुन लीजिए। अल्लाह के नबी अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा जो हौस होगा एक महीने की मसाफत। अब इसकी सिफत क्वालिटी हौस की जहां से पानी पिएंगे मोमिन नबी सल्लम पिलाएंगे उसकी जो है लंबाई होगी या उसकी जो मसाफत है एक महीने के बराबर है। पानी उसका दूध से ज्यादा सफेद और उसकी खुशबू मुश्क की जो खुशबू है उससे भी ज्यादा खुशबूदार होगा और उसमें जो प्याले होंगे पानी पिलाने के लिए हौस के वो आसमान के सितारों के बराबर होंगे और जो एक मरतबा पिएगा कभी वो प्यासा नहीं होगा। और एक रिवायत में यह है कि अल्लाह के मुस्लिम बयान फरमाया उसकी जो पानी की सफेदी है ये चांदी ओरिजिनल चांदी की जो सफेदी होती है उससे भी ज्यादा वो सफेद होगा। और एक रिवायत है मुस्लिम की अबू दर्र गफारी की उसमें ये अल्फाज आए अल्लाह के मुस्लिम इरशाद फरमाया उसका पानी क्या कहते हैं उसको दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होगा। एक और एक सही मुस्लिम की हदीस है सौबान रजी अल्लाह की उसमें यह लफ्ज आया सुनिए गौर से इस हदीस को भी। सौबान रजी तो फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत से दो क्या बोलते हैं उसको परनाले माने जिसमें से पानी गिरता है खाने काबा पर भी एक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत से दो परनाले एक सोने का एक चांदी का बना हुआ है जो निकलते हैं और हौस में आकर वो गिरते हैं ठीक है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और इसी तरीके से मुस्लिम अहमद की एक रिवायत है जिसमें यह है कि
इन इसके दोनों के दरमियान जो फासला होगा वो अदन और अम्मान के दरमियान का फासला या ईला और मक्का के दरमियान एक रिवायत में मदीना और सना के दरमियान जो फासला होगा इतना लंबा जो है फासला उसका होगा। इसी तरीके से यहां एक और एक अहम मसला यह है कि कुछ लोगों को इस हाउस के पास आने से रोक दिया जाएगा और वो बिदत करने वाले लोग होंगे, सुन्नत की मुखालिफत करने वाले लोग, इसलिए बिदतों से अपने आप को बचाइए। और इसकी दलील ये सही रिवायत है जो क्या कहते हैं उसको, कहां है ये, बुखारी में है जी, सही बुखारी की रिवायत है, इसको सुन लीजिए, वक्त खत्म हो रहा है। इस हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू मुलैका रज़ियल्लाहु की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं हौस पर अपनी उम्मत के इंतजार में रहूंगा ताकि मेरी उम्मत वहां आए, तो कुछ लोगों को मुझसे दूर कर दिया जाएगा, आएंगे मैं उनको देखूंगा पहचान लूंगा, आजाए वजू जैसे दूसरी रिवायत में है, तो मैं देखूंगा कि फरिश्ते उनको दूर कर दे रहे हैं, आने नहीं दे रहे हौस के पास, फाकुल मैं कहूंगा यार मिन्नी व मिन उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार ये मेरी कौम है, मेरी उम्मत है, मुझ में से है, मेरी उम्मत है, फयुकालू तो नबी अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा हल शारता मा अमिन उबादक, क्या आपको मालूम है कि इन लोगों ने आपके जाने के बाद क्या किया, वल्लाहि मा बरहु यरजून अला अकाबिहिम, और वो लोग अपने पैरों के बल पीछे ही लौट जाएंगे। अल्लामा साहबी रसूल इब्ने अबी मुलैका रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका नरजे अला अकाबिना औ नुफ्तन अन दीनिना, अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं कि हौस से वापस हम लौट जाए, इससे हमको तू महफूज रख और हमारे दीन में फितने हो इससे भी तू हमको महफूज रख। सही मुस्लिम की एक और एक रिवायत है जिसमें ये अल्फाज आए हैं, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते फयुकालू फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदथु बादका फअकूल सुहकन, नबी अलैहिस्सलाम जब उम्मती उम्मती कहेंगे तो नबी सलाम से कहा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे आपको नहीं मालूम कि आपके जाने के बाद कितनी बिदअतें इन लोगों ने की हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ये सुनकर कहेंगे दूर कर दो, हटा दो, दूर कर दो उन लोगों को जिन्होंने मेरे दिन में मेरे साथ बिदत की, मेरे दिन को छोड़कर या सुन्नतों को छोड़कर उन्होंने बिदत का काम किया है, तो ये अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको। तो ऐसे बिदअती लोग होंगे जिनको जो है हौज से दूर कर दिया जाएगा। हौज और कौसर में फर्क यह है, अहले इल्म कहते हैं कौसर जन्नत में है, कौसर कहां है, जन्नत में नहर है, और हौज महशर जहां होगा ना मैदान महशर में हौज होगा, याद रखना यह फर्क, कौसर कहां है, जन्नत में नहर है, और हौज कहां होगा, मैदान महशर में। कौसर एक अजीम नहर है असल जो जन्नत में है, और हौस उसका एक हिस्सा है, वहां से पानी आकर इसमें गिरेगा जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, जिसके जो है दो क्या होंगे, परनाले होंगे। सही मुस्लिम की हदीस मौजूद है, आखिरी हदीस सुन लीजिए, बात खत्म है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत, सही मुस्लिम की हदीस, जी हां आखिरी हदीस है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कौसर के बारे में, नहरुन वअदनीहि रब्बी अज़्ज़ा वजल फिल जन्नति अलैहि हौज, कौसर के बारे में फरमाते एक नहर होगी पानी की जिसका वादा मेरे रब अज़्ज़ा वजल ने जन्नत में किया है, जन्नत में वो होगी और उस पर एक हौज होगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, इसी से ये मसला खत्म हुआ और जो हमने आपको बताना था वो चीजें बता दी। आखिर में अल्लाह से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम तैयारी करें, क्योंकि हमारे आमाल नामे तोले जाने वाले हैं, पढ़ने में नेकियां पढ़ने में बुराइयां, और एक और एक बात यह है कि या तो या नेकियां ज्यादा होंगी या किसी के बुराइयां ज्यादा होंगे या दोनों बराबर बराबर होंगे, तीन ही शक्लें हो सकती हैं। जिसके नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा वो जन्नती होगा, जिसके बुराइयों का पल्ला भारी हो जाएगा वजनी हो जाएगा वो दुज़खी होगा, जिसके बराबर बड़ा होंगे वह आराफ वाले होंगे, जिनके बारे में आइंदा इंशाल्लाह बयान करेंगे। अल्लाह से आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह ताला हमको और हमारे घर वालों को सबको जन्नत के सफर जन्नत का सफर आसान कर दे और उस रास्ते पे हम सबको चला दे, जहन्नम से बचा ले, आमीन। वाखिरु दावाना रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कफारतुल मजलिस सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका।